नमस्कार दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि जगत सिंह नेगी जी की एक रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही है, और इस पर चर्चा करते हैं क्या जगत सिंह नेगी जी की है रिकॉर्डिंग या नहीं। तो आइए सुनते हैं कि एक स्टूडेंट पूछता है जगत सिंह नेगी जी से, जो मंत्री हैं करंट हिमाचल प्रदेश के, उनसे पूछता है कि करंट सिचुएशन हिमाचल प्रदेश की क्या है। आइए जानते हैं कि मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ उस रिकॉर्डिंग को। इसमें मोबाइल नंबर है ना। हेलो। हाँ सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर पटवारी की भर्ती नहीं आई, 31 मार्च आने वाला है, कब आएगी? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसमें देखो आप ना। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, रोज देखते हैं समाचार, देख देख के थक गए। तो जब हमने अनाउंस कर दिया आएगा तो इंतजार तो करो। सर 31 मार्च तो उससे पहले आ जाएगा, आप तो अनाउंस ही कर रहे। आपको 31 मार्च ही क्या लेना है? तो इनसे जब पूछा गया कि 31 मार्च को आपने बोला था कि 31 पहले तो ने बोला 31 दिसंबर से पहले, मुख्यमंत्री जी ने बोला था 31 दिसंबर से पहले 10,000 वैकेंसीज निकाली जाएंगी। उसके बाद बोला जनवरी में हिमाचल प्रदेश पुलिस की रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। अब इन्होंने बोला कि 31 मार्च से पहले, 2024 से पहले हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे। इन्होंने अप्रैल 2023 में बोला था कि आपकी 1,20,000 वैकेंसी निकालेंगे, अप्रैल 2023 में। और इन्होंने बहुत कुछ बोला, और अब जब पूछा जाता है कि कब निकाले वैकेंसी, और इनका सवाल जवाब क्या आता है, इनके आपको 31 मार्च से क्या लेना है, हमारा प्रोसेस नहीं चल रहा है। देखो प्रोसेस पिछले साल जनवरी से चल रहा है। तो आगे सुनिए आगे क्या बोलते हैं। आपने अनाउंस किया हो 31 मार्च भी, तो 31 मार्च से पहले जो होगा आपका टाइम से हो जाएगा। आपने बताया फाइनल होगा, फाइनल तो एग्जाम होना और रिक्रूटमेंट होना हो जाता है। हम 1 साल से आपके पीछे घूम रहे हैं सरकार के, और कुछ भी भर्ती नहीं आ रही है, जेबीटी का भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रही है भर्ती? कौन कह रहा नहीं आ रही है? जेबीटी का तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आपको पता नहीं लगता कितने सारी भर्तियां हो रही है? कौन सी भर्ती हो रही है सर जेबीटी? बस इसके बाद फोन काट दिया जाता है, और उनका आपको पता नहीं है कि कितनी भर्तियां हो रही हैं। हाउ डेयर यू, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिमाचल प्रदेश। सर आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिमाचल प्रदेश, आप नहीं जानते। जियो आईटी 817 के नाम सर ऐसे भागते हैं सरकार, पता नहीं कैसे। चंद्र कुमार जी ने जियो आईटी के बच्चों को बोला कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्लें नहीं देखनी है मैंने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जब आ जाता है सब कुछ बयान, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट सरकार इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे। इन्होंने बहुत सारे लंबे समय से बोला कि हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतनी बोला गया था कि 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे पहली कैबिनेट में, जब सरकार बननी थी मैनिफेस्ट में लिखा था। अपने वादों से मुकर गए, अपनी चीजों से मुकर जा। देखो मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं, या मैं किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन, और ना ही मैं किसी मंत्री ने मेरे को किसी मंत्री ने बोला है, ओपोजिशन का कोई मंत्री हो तो उसने मुझे बोला हो कि हाँ भाई तू इनके खिलाफ वीडियो। मेरा आपके खिलाफ होने का कोई मुद्दा नहीं है, पर हाँ तो रियलिटी है दैट हिट्स हार्ड, रियलिटी है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हिट करती है एक स्टूडेंट को, जब उसको उसके माँ बाप बोलते हैं कि भाई क्या कमाई कर रहा तू, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर अर्निंग। 2-3 साल से डाउट कर रहे हैं, रिश्तेदार आके पूछते हैं क्या कर रही है इनकी बेटी, शादी करा दो ना इसकी, नई नौकरी नौकरी तो उस बेटी की थोड़ी गलती है भाई। अब जॉब नहीं निकाल रहे 2-3 साल, 2020 में एक्चुअल में हुई थी जो भर्तियां, उसके बाद तो ऐसे खलारा ही डाला हुआ है। 2020 में एक्चुअल भर्तियां हो चुकी हैं, उसके बाद अब 3-4 साल हो गए, अब तो कुछ नहीं हो रहा। सर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है स्टूडेंट की, मैं उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और गुस्सा है इतने ज़्यादा प्रदर्शन के, इवन मैं सीएम साहब से मिला, मैं सीएम सर से मिला, मैंने उनको बोला कि रिक्रूटमेंट कैलेंडर निकलवाओ, जिससे एक स्टूडेंट को पता चल जाए कि रिक्रूटमेंट कब आएगी, कितनी तरीक को उसका फॉर्म निकलेगा, कब एग्जाम होगा। सर एक पैटर्न होता है सर, ऐसा नहीं है कि आप स्टेटमेंट दे दें आके और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। आप सीएम के मुख से निकला हुआ, मंत्रियों के मुख से निकला हुआ एक स्टेटमेंट जो होता है वो तीर की तरह होता है, और उसको निशाने पे लगना ही पड़ता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि हाँ भाई ये अपने वादों के पक्के नहीं है, तो अगर बोला है इतनी वैकेंसीज निकालनी है तो वाई आर यू वेटिंग।
एंड किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है हमें नहीं पता। स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, सभी पूरे हिमाचल के स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं अगर उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ऐसे ही इग्नोर करती रही है तो हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। आप एक संघ बना लीजिए, एक एक छात्र एकता, इकट्ठे हो जाइए, एक हो जाइए। फिर कोई मंत्री आपको ऐसा नहीं बोल पाएगा कि आपको पता नहीं है रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है या हो रही है, आपको पता नहीं है रिक्रूटमेंट हो रही है। इन चीजों को सुनने के लिए नहीं वोट दिए थे सर, धक्के खा करके घर से बाहर निकालने के लिए वोट नहीं दिए थे सर। बात ये आती है, स्टूडेंट को हक दे दो, सब शांति हो जाएगी। जो भी खलारे डले हुए हैं, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम इज वॉट? टूरिज्म। अभी इतना बड़ा झटका लगा हिमाचल प्रदेश को बाढ़ की वजह से, टूरिज्म सर डाउन चला गया था, अब तो चलो ट्रैक पे आ गया, पर सब लोग टूरिज्म पे थोड़ी बैठे हुए हैं सर। कई लोगों के पास, कुछ लोगों के पास खेत नहीं है, कुछ लोगों के बच्चे मेहनत कर रहे हैं सर कि एग्जाम बन के बड़ा ऑफिसर बनना है, पटवारी बनना है, पुलिस में जाना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, जेबीटी टीचर बनना है, जेबीटी कमीशन निकालना है, हाईकोर्ट के, चलो हाईकोर्ट तो एक अलग आ गया ना, हाईकोर्ट तो अपने टाइम से पेपर करा देगा, बट जो सरकार के अंडर आते हैं वो कब होंगे? इस बात का ध्यान रखिए। और ये मंत्री जी जो बोल रहे हैं तो ये कब तक हम सुनते रहेंगे? कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो नीचे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस ऑडियो के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद।